फाइनली रियलमी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन रियलमी 12 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ सैमसंग का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस 1500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के 12 5G को 16999 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F15 5G को 14499 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ रियलमी के 12 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F15 5G में भी आप लोगों को मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस के मामले में बेटर हो जाता है रियलमी का 12 5G, क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के F15 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 3,80,000 के आसपास का देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है 4,16,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ गैलेक्सी के F15 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2200 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2600 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन एक जैसा देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस आप लोगों को ज्यादा बेटर रियलमी के 12 5G में देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस कम होने के बावजूद भी आप लोगों को डिस्प्ले की क्वालिटी तो गैलेक्सी के F15 5G में बेटर देखने को मिल जाती है। 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती, पर डिस्प्ले में आप लोगों को पानी चोल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 5G में 6.72 इंच की फुल HD प्लस पानी चोल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में थोड़ा बेटर हो जाता है रियलमी का 12 5G। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.75 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से आप लोग सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F15 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 5+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से भी आप लोग सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है गैलेक्सी का F15 5G, क्योंकि गैलेक्सी के F15 5G में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ रियलमी के 12 5G में सिर्फ 1 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वहीं एक तरफ गैलेक्सी के F15 5G में आप लोगों को डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जबकि रियलमी के 12 5G में डुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो बैटरी बैकअप तो आप लोगों को गैलेक्सी के F15 में बेटर देखने को मिल जाएगा, 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी के 12 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 45W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस से बेस्ट वैल्यू स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ, तो आप लोगों को गैलेक्सी के F15 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग एक 5-inch डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं एक प्रीमियम डिजाइन के साथ, तो आप लोगों को रियलमी के 12 5G की तरफ जाना चाहिए।